देखो ये हुआ असली प्रमोशन। नमस्कार दोस्तों, मैं धनंजय कुमार, इसी के बारे में हम बातचीत करने वाले हैं इस वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। और जो लोग मेरे चैनल को भी तो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर भोजपुरी का हर खबर सबसे पहले आता है। तो दोस्तों, फिल्म हो, गाना हो, ट्रेलर हो या कोई भी प्रोडक्ट हो, उसका प्रमोशन जरूरी होता है, तभी लोग देखेंगे सुनेंगे कैसा प्रोडक्ट है, क्या है, गाना कैसा है, फिल्म कैसा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के गाने के तरफ। दो दिन पहले पवन सिंह के एक बहुत ही जबरदस्त और शानदार गाने को आप सभी के बीच रिलीज किया गया था, जिस गाने का नाम है टिकुलिया ए राजा। और पवन सिंह के इस गाने पे शुरुआती रिस्पॉन्स बहुत ही डाउन मिल रहा था, क्योंकि सरस्वती पूजा भी था और इस गाने का किसी ने प्रमोशन भी नहीं किया था। लेकिन अब इस गाने पे लोग धीरे धीरे ध्यान देना शुरू कर दिए हैं। और पवन सिंह में सबसे बड़ी कमी ये रहती है, पवन सिंह का कोई भी नया गाना आता है उस गाने पे रील्स बना के अपने आईडी पे अपलोड नहीं करते हैं, जो कि सभी को करना चाहिए। यहाँ से अच्छा खासा गाने का प्रमोशन भी हो जाता है। और कल पवन सिंह टुकुलिया ए राजा इस गाने पे रील्स बनाए, अपने आईडी पे अपलोड किए, जो कि आप लोग देख सकते हैं 1 मिलियन व्यूज चला गया है। और अब देखा देखी सब लोग रील्स बनाएंगे और गाना वायरल होना धीरे धीरे शुरू हो जाएगा। वही बात की जाए खेसारी लाल यादव के बारे में, तो खेसारी लाल यादव का कोई भी नया गाना आप सभी के बीच आता है उसके 1-2 घंटे के बाद या तो 1 दिन के बाद फट देनी रील बना के डाल देते हैं अपने आईडी पे, जो कि कल वाले होली गाने पे खेसारी लाल यादव ने रील्स बना के डाल दिए हैं, जो कि आप लोग स्क्रीन में देख सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा खेसारी लाल यादव काम करते हैं। और हर एक गाने पे खेसारी लाल यादव अपने आईडी पे रील्स बनाकर डाल देते हैं। इससे फायदा ये होता है कि गाने का प्रमोशन हो जाता है और गाना धीरे धीरे रफ्तार पकड़ लेता है, यानी वायरल होना शुरू हो जाता है। हाँ तो दोस्तों, मेरा अपडेट आप सभी को कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।